हेलो एवरीवन, आज के ग्रुप थ्योरी के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रुप किसको कहते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, इसकी क्या कंडीशंस हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको भी जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा ग्रुप थ्योरी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो जाके देखिएगा। सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा ग्रुप थ्योरी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो भी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस के और भी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं वो भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ग्रुप को डिस्कस करते हैं कि भाई ग्रुप कहते किसको हैं, ग्रुप का मतलब क्या है। तो अगर आप देखें कि ग्रुप को अगर हम लोग डिफाइन करें, है ना, ग्रुप को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ग्रुप की जो हमारी जो अभी तक हम लोगों ने क्या करा था, एक सेट लिया था और उसको बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो है अलाइनमेंट कर दिया था, यानी सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन उसमें क्या था कि अभी जब हमारा ये सेट बाइनरी ऑपरेशन को केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता था तो इसको हम लोग कहते थे अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और तब जब हमारा ये सेट विद बाइनरी ऑपरेशन केवल क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी को जो है ओबे करवाता था, हम इसे कहते थे सेमी ग्रुप। और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने, मैंने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नॉन एम्प्टी सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन जो था, जब एक क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी एलिमेंट को ओबे करता था तब हम इसे कहते थे मोनोइड। तो अब लास्ट में जो है इस वीडियो में एक और इसमें एक्सटेंशन हो गया है, इसका इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर, मतलब इनके साथ साथ अगर ये हमारा जो सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन इसको भी फॉलो करता है, इसको भी ओबे करता है तो हम इसे ग्रुप कहते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है इस वीडियो में, बट एग्जांपल जो है वो जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इनवर्स एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है इसको जो है हम लोग जो है डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी को मैंने आपको अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वाले वीडियो में डिस्कस किया था, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को मैंने सेमी ग्रुप वाले वीडियो में डिस्कस किया था, और आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी को मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में यानी मोनोइड वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम लोग जो डिटेल में डिस्कस करते हैं इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी को। तो हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा प्लस बाइनरी ऑपरेशन था तो जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था वो जीरो था, है ना। तो ये मैं लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। प्लस के साथ जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था वो क्या था, जीरो, और मल्टीप्लाई के साथ जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो था हमारा वन, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट तो ये जो कंडीशंस है, तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का मतलब पहले तो आप ये समझिए, ए इनवर्स का मतलब वन बाई ए नहीं है। ए इनवर्स का मतलब वन बाई ए नहीं है। इनवर्स का मतलब ये है कि एक तरह से अगर मैं किसी एलिमेंट को उसी के इनवर्स के साथ कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 5, तो 5 के अंदर मैं क्या, पहले तो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा यूज कर रहा हूं मैं वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि अगर मैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहा हूं तो प्लस अगर मैं यूज कर रहा हूं तो 5 के अंदर मैं क्या ऐड करूं जिससे मुझे प्लस वाले का जो आईडी एलिमेंट था वो क्या था, जीरो, तो मुझे जीरो मिल जाए। ओके, पर अगर मैं मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूं तो 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, तो मल्टीप्लाई का आईडी एलिमेंट क्या होता है, 1, तो मुझे 1 मिल जाए। ठीक है भाई, तो 5 के साथ मैं क्या ऐड करूं तो -5 ऐड करना पड़ेगा, और 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे ये मिल जाए। ये हमारे इस वीडियो में हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं अपनी इस कंडीशंस के पास। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन, मतलब हमारा जो ए इनवर्स है वो हमारे सेट एस में होना चाहिए, सच दैट ए जो है ए इनवर्स के साथ अगर मैं उसको बाइनरी ऑपरेशन के साथ यूज करता हूं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ये मेरा हो जाएगा राइट इनवर्स, ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट इनवर्स। जिस तरह से राइट आइडेंटिटी एलिमेंट और लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट देखा था उसी तरीके से राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स, तो ये जो है सभी एलिमेंट के साथ ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास हर एलिमेंट का
जो ए मुझे जो उसका इन्वर्स मिलेगा वो एकदम यूनिक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जेड प्लस को देख लेते हैं, जेड प्लस। चलिए तो जेड प्लस का मतलब है जेड जो हमारा इंटीजर वो हमारा सेट है वो हो जाएगा माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ये सेट है। और हम लोग जो है ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो प्लस यूज कर रहे हैं, जो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो हम अपना प्लस यूज कर रहे हैं। तो इसको जो है डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें z प्लस का, तो अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूं टू, तो टू के साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे मुझे प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट का, तो जीरो मुझे जीरो मिल जाए। फोर के अंदर मैं क्या ऐड करूं जिससे मुझे जीरो मिल जाए, तो टू के अंदर मैं ऐड करूंगा माइनस टू, फोर के अंदर ऐड करूंगा माइनस फोर। तो ये माइनस टू जो है वो हमारे सेट में अवेलेबल है, दैट्स इट। तो यानी टू का इन्वर्स हो गया माइनस टू और फोर का इन्वर्स हो गया माइनस फोर। तो ये टू का इन्वर्स यानी टू का इन्वर्स हमारे पास माइनस टू अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर फोर है यहां पर तो माइनस फोर भी अवेलेबल है। तो इसी वजह से हर एलिमेंट का उसका इन्वर्स एलिमेंट जो होगा वो यूनिक होगा और वो जो है उस सेट में अवेलेबल होना चाहिए अलॉन्ग विद द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जीरो भी जो है हमारा उस सेट का पार्ट होना है, पार्ट है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी जो है उस सेट का पार्ट होना चाहिए। तो हमारे पास टू माइनस टू और जीरो तीनों के तीनों जो है हमारे इस सेट के एलिमेंट हैं। इसी तरीके से फोर और माइनस फोर और जीरो जो है इस सेट के एलिमेंट है। इसलिए जेड प्लस जो है हमारा एक ग्रुप है, हमारा एक ग्रुप है। अब इसी तरीके से अगर मैं z को मल्टीप्लाई के साथ लेता हूं, z को मैं अगर मल्टीप्लाई के साथ लेता हूं यानी 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे 1 मिल जाए, 4 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे 1 मिल जाए। तो 2 के साथ मैं ऐड करूंगा 1 बाय 2 को और 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी हाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1 बाय 2 को और 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1 बाय 4 को जिससे मुझे 1 मिल जाएगा। तो 1 बाय 2 और 1 बाय 4 ये इंटीजर नहीं होते हैं, इसलिए ये z जो है हमारे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई के साथ जो है एक ग्रुप नहीं है, ये एक ग्रुप नहीं है। याद रखिएगा z विद मल्टीप्लाई जो है वो ग्रुप का पार्ट नहीं है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और भी है। अब सपोज करिए कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं और सपोज एक ले लेते हैं जीरो ले लेते हैं। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं, जेड मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, या फिर कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं वो सबसे सही रहेगा। नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर ले लेते हैं। रियल नंबर को हम लोग जो है मल्टीप्लाई के साथ देखते हैं। तो रियल नंबर विद मल्टीप्लाई, तो रियल नंबर तो भाई कुछ भी हो सकता है, माइनस से साथ मतलब इंटीजर भी आ गया उसमें, नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, है ना। तो कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं, फोर, फोर ले लेते हैं। तो फोर जो है, फोर जो है इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे वन मिल जाए, तो वन बाय फोर भाई। फाइव कोई एक और नंबर ले लेते हैं, सेवन ले लेते हैं, सेवन के अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे वन मिल जाए, वन बाय सेवन। तो 1 बाय 4, 1 बाय 7 जो है ये एक रियल नंबर भी है। तो ये हमें जो है लगेगा, हमें लगेगा कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, बट ऐसा नहीं है। क्यों अभी मैं बताता हूं। अब सपोज करिए 4 की जगह पर मैं 0 ले लेता हूं, तो 0 के अंदर 0 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं या कुछ भी करूं जो मुझे 1 मिल जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई का जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन होता है। तो जीरो से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो मुझे वन मिल जाए, तो वन बाय जीरो। तो ये वन बाय जीरो तो भाई कुछ अलग ही तरह की कहानी है, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करके मुझे वन कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से जो है हमारा ये जो है ग्रुप नहीं होता है, ये ग्रुप जो है वो नहीं कहलाता है। तो जीरो के साथ मैं उसका इन्वर्स, अब जीरो का जो इन्वर्स होता है वो खुद ही होता है, अब जीरो का इन्वर्स देखें वन बाय जीरो, ये तो पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू वन जो है इसे हम लोग नहीं कह सकते। इसकी वजह से ये जो हमारा रियल नंबर है, रियल एलिमेंट, रियल सेट है विद मल्टीप्लाई जो है
ये जो है एक ग्रुप नहीं कहलाता। अब हम लोग रियल नंबर देख लेते हैं, रियल नंबर विद प्लस, तो 2 प्लस माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 4 का इनवर्स 4 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा रियल नंबर, ये जो रियल नंबर है विद प्लस, ये हमारा जो है ग्रुप कहलाएगा। ओके, ये जो है हमारा एक ग्रुप कहलाएगा। तो रियल नंबर, जो रियल नंबर है प्लस के साथ जो है, ये एक ग्रुप का पार्ट है। और रियल नंबर विद मल्टीप्लाई क्यों नहीं है ग्रुप, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ग्रुप के लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टी के साथ चौथी प्रॉपर्टी जो इनवर्स एलिमेंट की है, ये जो है ये भी होनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी अगर ये सेट विद बाइनरी ऑपरेशन केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो ये अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। साथ में एसओसबी प्रॉपर्टी को भी अगर फॉलो करता है तो ये सेमी ग्रुप है। और अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट को भी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो ये जो है मोनोइड है। और ये अगर ये चारों कंडीशन को फॉलो करता है तो एक ग्रुप है ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहां आज का वीडियो जो है ये यहीं पे फिनिश हो जाता है। इसके अलावा अगर वो हमारी को पांचवी कंडीशन होती है, अगर ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, चार के साथ एक और प्रॉपर्टी पांचवी जो है कम्युनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो क्या कहलाएगा, तो उसे हम लोग जो एबिलियन ग्रुप कहते हैं। तो एबिलियन ग्रुप के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको ग्रुप थ्योरी का ये इंपॉर्टेंट वीडियो ग्रुप के बारे में जो डिस्कशन किया ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो भाई आप कमेंट करिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और ग्रुप थ्योरी के और भी बहुत सारे वीडियो जो हैं आपके इस YouTube चैनल पर अवेलेबल है, जिनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया। साथ में एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी जो है वो ग्रुप थ्योरी की, वो भी हम लोगों ने आपके लिए अवेलेबल कराई है। कंप्यूटर साइंस की और भी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो भी आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी और मिल भी गई होंगी, आप जाके उनको देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।